नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD स्टडी जोन में। तो आज हम आप लोगों के लिए आयु संबंधी पांच प्रश्न लाए हैं, जो पांचों प्रश्न लगभग कहें तो एक जैसा ही है या फिर कुछ उसमें भिन्नता है। तो आप इस पांच मैथ को यदि सीख लेते हैं तो आसानी से इस टाइप का कोई भी मैथ आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पाँच टाइप का जो मैथ है बिल्कुल यदि इस से मिलता जुलता मैथ आता है तो सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे पहला देखिए क्या प्रश्न एक क्या बोल रहा है। तीन व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। इस टाइप का जो मैथ है अक्सर रेलवे का एग्जाम में एक ना एक पूछता ही है, इसलिए इस पांचों मैथों को ध्यान से देखिए और सीख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाने में आसानी होगा। क्योंकि मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको इतना अच्छा तरह से समझा दूंगा और इतना शॉर्ट तरीका मैं ही बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। तो ये औसत आयु है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, या आयु का योग कह सकते हैं या कुल आयु भी कह सकते हैं। ये 33 गुना तीन व्यक्ति है तो तीन से गुना कर देंगे, तो 33 * 99 याद रखिए। सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं। उसके बाद क्या बोला, अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष। हम इस मैथ को दो टाइप से बताएंगे, दोनों टाइप में से जो आपको अच्छा लगेगा उसी टाइप से आप सीख लेते हैं। तो सिंपल करते हैं, हम x मान के 2x + 3x + 4x बराबर में 99 लिख देते हैं। ये 99 को लिख देते हैं, अब ये तीनों को जोड़ के 3 * 2 = 5 + 4 = 9x हो गया बराबर 99। तो काट देते हैं 9 * 9 = 11 * 9 = 99, तो x का वैल्यू हमारा 11 आ जाता है। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, बड़ा छोटा मंझला जो भी निकालना है ये अनुपात से निकाल सकते हैं और x का वैल्यू में पुटअप करके। तो यहाँ पूछ रहा है उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष, तो सबसे बड़ा अनुपात में क्या दिया हुआ है, 4 है, तो हम 4 को 11 से गुना कर देंगे, तो 11 * 4 कर देंगे तो 11 * 4 = 44 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा अलग ढंग से बता रहे हैं। अब यदि इस तरह का मैथ आपके सामने आए तो सब इससे भी शॉर्ट विधि क्या है आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप इसको निकाल लीजिए, 99 को निकाल लीजिएगा, 99 को निकालने के बाद सीधा आप कीजिए 99, अब गुना में कीजिए क्या पूछ रहा है कि उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 4 है, तो गुना 4 कर देंगे और ये तीनों को जोड़ के नीचे लिख देना है, यानी 2 + 3 + 4। तो इस तरह से लिखने के बाद आप सिंपल सा क्या करना है, ये नीचे तीनों को जोड़ देना है और ऊपर का जैसा कहते हैं 9 * 4 कर देना है और इधर हो जाता है हमारा 3 * 4 = 7 * 2 = 9, तो 9 से काट देंगे, 9 * 9 = 9 = 11 = 44 से गुना कर देंगे, 44 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यदि कोई तीसरा आदमी का पूछे तो यहाँ तीसरा वाला लगा सकते हैं, पहला जैसे पूछे तो पहला लगा सकते हैं। सिंपल विधि कर देना है, आप योग निकाल लीजिए, 99 निकल गया * अब जैसे पहला का पूछता तो 2 कर दीजिए और तीनों का जोड़ यहाँ कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, तो काट देने से क्या होगा, 9 * 9 = 11 * 9 = 99, तो 11 * 2 = 22 पहला का हो जाएगा, तीसरा का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टाइप का मैथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और चार मैथ आपको बताएंगे ताकि आसानी से इस टाइप का मैथ को आप समझ लें। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है, यदि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष या 60 साल हो तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। अभी सिंपल वही करना है, 7x + 3x = 60 हो गया, तो ये दोनों जोड़ने से कितना हो गया, 10x = 60, तो काट देंगे 0 0, तो x = 6 हो गया। अब पूछ रहा है कि उनके उम्रों के बीच का अंतर, तो उम्रों का बीच का अंतर सबसे पहला लेंगे, यहाँ पे कितना दिया है, 7, तो 7 * 6 ठीक है, और माइनस कर देंगे, फिर लिखेंगे 3 * x = 6, तो जब तीनों को यदि गुना करेंगे
तो साक्षक 42 हो जाता है, माइनस 36 18, अब बराबर में आ जाता है हमारा 24 वर्ष। बस यही हमारा आंसर होगा। जब भी इस टाइप का मैथ हो आप आसानी से इस टाइप को बना सकते हैं। तो चलिए अगला मैथ देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा, क्या होगा? ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए इसमें भी आसान सा ट्रिक है। अभी क्या बोल रहा है, 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो हम सिंपल करेंगे, 4x और 5x बराबर में दे देंगे 81, ठीक है। तो 4×5 9x बराबर हो गया 81, काट देंगे 9 * 9 = 81, x का वैल्यू हमारा 9 आ गया। अब पूछ रहा है कि 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले कितना पूछ रहा है, हम ले लेते हैं 4 गुना में कर देंगे x का वैल्यू 9, ठीक है, और प्लस करेंगे 9 साल प्लस इसलिए करेंगे कि अभी हम वर्तमान का निकाल रहे हैं और 9 साल बाद क्या होगा वही देखना है। तो 9 प्लस कर देंगे, अनुपात दे देंगे, फिर हम वही करेंगे, ये दूसरा अनुपात लेते हैं 5 गुना एक्स का वैल्यू 9 और प्लस 9 कर देंगे, ठीक है। अभी इसको जोड़ जाड़ के आप बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 9 * 36 और 9 हो जाता है 45 अनुपात, और ये 9 * 5 = 45 और 9 * 54। अब काट देंगे तो 9 से काटेंगे 9 * 5 = 45, 9 * 6 = 54, यानी कि हमारा अनुपात आ गया 5:6 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल वही करेंगे, 7x + 4x = 44, ठीक है। 7 * 4 = 11, 11x = 44, तो 11 से काट देंगे, 11 * 11 = 44, एक्स का वैल्यू हमारा 4 आ जाता है। अब बोल रहा है 8 साल बाद, तो सिंपल वही करना है, 7 * 4 और 8 साल बाद बोल रहा है तो प्लस कर देंगे 8, तो अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कर देंगे। उसके बाद क्या है, 4, ये 4 गुना फिर 4 प्लस 8, अभी क्या हो जा रहा है, 7 * 28 28 + 8 = 36 अनुपात, चर ये 16 * 8 = 24 अब काट देंगे, कितना से कटेगा, 12 से, 12 * 36 12 * 24, गड़बड़ मत कीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कमल तथा शंभू बोला है, वहीं पे हमें क्या पूछ रहा है, शंभू तथा कमल। तो ध्यान रहे कि ऊपर कुछ और रहता है और नीचे कुछ और रहता है, ऊपर कुछ और रहता है और नीचे कुछ और रहता है, यही हड़बड़े में गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कमल तथा शंभू का हम निकाल रहे हैं, 7 और 7 को लिए हैं यहाँ पे 4 को लिए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पूछ रहा है शंभू तथा, उल्टा पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:3, ये हमारा आंसर होगा। कभी हड़बड़ में इसको, चूँकि यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यदि दे देगा तो क्या करता है स्टूडेंट, उल्टा मार के आ जाता है और सारा किया हुआ मेहनत बेकार हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कुछ बोल रहा है नीचे, यही चीज़ तो एग्ज़ाम में आदमी को कंफ्यूज कर देता है, कि लगता है हम सही बनाए हैं लेकिन बना के आ जाता है गलत, बनाता ठीक है लेकिन आंसर के समय में गलत दे देता है। तो इस चीज़ को आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। चंद्रिका तथा गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, 4 वर्ष बाद होगा, क्योंकि ये हमें वर्तमान में दिया हुआ और ये 4 वर्ष बाद हो बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 80 में हमको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना करना है, 4 वर्ष, तो 4 * 4 = 8, चूँकि 2 आदमी हैं तो 4 * 4 = 8 माइनस कर देंगे, 80 में 8 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाता है 72,
ठीक है। अब देखिए इसका हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया है अनुपात, 4x मान लेते हैं और 5x, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 72 को 72 लिख देंगे। अब काट देंगे यदि हम तो 4 5 9x हो गया और ये 72, तो काटेंगे 9 1 9 9 8 72, तो x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, होगा तो उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, अनुपात पूछ रहा है। तो चूंकि हम वर्तमान में लिए हैं तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो 4 × 8x का वैल्यू कर देते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले 4 वर्ष घटा के वर्तमान में लाए थे, तो यहाँ +4 करना पड़ेगा। अनुपात का अनुपात दे देते हैं, फिर दूसरा कितना है, 5 है, तो 5 × 8 और प्लस फिर 4 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए हमारा कितना हो जाता है, ये 8 × 32 और 4 × 36 अनुपात, और 8 × 5 = 40, 4 = 44। तो अभी काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 9 = 36 और 11 × 44, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान में रखिए, यहाँ तो कुछ भी ऐसा वो नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 : 11, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आज का ये आयु संबंधी 5 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और आगे और भी इसी तरह का मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल BD स्टडी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।